एवरीवन, वेलकम बैक टू ईसीएलई लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम कुछ न्यू इडियम्स पढ़ने वाले हैं, तो आप क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज आप बहुत कुछ खो सकते हैं। तो क्लास में लास्ट तक जरूर बनिएगा। चलिए हम टाइम बर्बाद ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट इडियम क्या है मेरी, वी इन टू माइंड। वी इन टू माइंड, इंग्लिश मीनिंग क्या होगा इसका, टू वी अनडिसाइडेड। टू वी अनडिसाइडेड, हिंदी मीनिंग क्या है, दुविधा में होना। मैंने तीनों चीज़ लिखी हुई, फ्रेज idioms भी लिखी है, उसका इंग्लिश मीनिंग भी लिखा है और हिंदी मीनिंग भी लिखा है, जिससे कि आप कन्फ्यूज ना हो सकें। चलिए नेक्स्ट क्या है, वी अंडर somebody's thumb। वी अंडर somebody's thumb, इसका क्या है हिंदी मीनिंग, किसी के मुट्ठी में होना। किसी के मुट्ठी में होना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, वी अंडर somebody's thumb। नेक्स्ट क्या है, वैड ऑफ रोजेस। वैड ऑफ रोजेस, इसका मीनिंग ये नहीं है कि गंदा फूल। वैड ऑफ रोजेस, इसका मीनिंग है आ प्लीजेंट सिचुएशन। आ प्लीजेंट सिचुएशन मीन्स दुखद स्थिति। अगर आप दुखद स्थिति में हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, आ प्लीजेंट सिचुएशन या फिर बैड ऑफ रोजेस। वैड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट वन, बीट अराउंड द वुश। वीस बीट अराउंड द वुश, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, अवॉइड द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक को क्या कर देना, अवॉइड कर देना। तो हिंदी मीनिंग क्या है, देख सकते हैं आप, घुमा फिरा कर बात करना। अक्सर लोग घुमा फिरा कर बात करते हैं जब वो अपनी मेन टॉपिक को बताना नहीं चाहते, तो उसको क्या बोल सकते हैं, अवॉइड द मेन टॉपिक या फिर बीट अराउंड द वुश। नेक्स्ट क्या है, डंकीज ईयर। डंकीज ईयर, इसका मीनिंग ये नहीं समझना कि गधों की साल, नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं है। डंकीज ईयर मीन्स क्या होता है, आ लॉन्ग टाइम। आ लॉन्ग टाइम, हिंदी मीनिंग क्या होगा, बहुत लंबा समय। बहुत लंबा समय, इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम, आ लॉन्ग टाइम या फिर डंकीज ईयर, idiom के तौर पे डंकीज ईयर। नेक्स्ट idiom क्या है, एग ऑन, इसका मतलब अंडा नहीं होता। एग ऑन, इसका मीनिंग है इनकरेज, मीन्स हिंदी मीनिंग क्या होगा, उकसाना। अगर आप किसी को उकसाते हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं जनरली तौर पे अपन, इनकरेज। तो अगर आप एडवांस तौर पे बोलना चाहेंगे तो क्या बोल सकते हैं, एग ऑन। नेक्स्ट क्या है, इवनिंग ऑफ लाइफ। इवनिंग ऑफ लाइफ, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, ओल्ड एज। क्या है, ओल्ड एज, हिंदी मीनिंग क्या है इसका, बुढ़ापा। अगर कोई बुढ़ापा में, अगर बोलते हैं आप कि वह बुढ़ापा में है, तो उसको आप ओल्ड एज बोलते हैं। इसकी जगह आप इवनिंग ऑफ लाइफ, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फील ब्लू। फील ब्लू मतलब नीला फील करना नहीं होता, इसका मीनिंग क्या है, ग्लूमी या फिर उदास होना। अगर आप कोई उदास है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, ग्लूमी या फिर फील ब्लू। नेक्स्ट वन क्या है, फुट द बिल। फुट द बिल, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, पे फॉर एवरीथिंग। पे फॉर एवरीथिंग, हिंदी मीनिंग क्या है, हिसाब चुकाना। अगर कोई हिसाब चुकाता है उसके लिए अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो क्या बोल सकते हैं, पे फॉर एवरीथिंग या फिर फुट द बिल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, गेट इनटू अ सूप। गेट इनटू अ सूप, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, मुसीबत मोल लेना। अगर कोई लड़ाई करता है, मुसीबत मोल लेता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं आप, गेट इनटू अ सूप। तो दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कि आपको न्यू अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।